इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को, हाँ अगर बिगड़ गए, मैंने जैसे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा है और एशिया में है और किसी एशिया टीम को ही जीतना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ज़रूरी ये वर्ल्ड कप जीतेगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि टॉप फोर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीमें होंगी। लेकिन प्रैक्टिस मैच है, मैं मेरे ख्याल से इतना कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस मैच ही है, प्रैक्टिस मैच ही आप किसी भी टीम से खेलें और कंडीशन एक जैसी होगी सब टीमों के लिए, कि पाकिस्तान जितने ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस खेल लेगा वर्ल्ड कप से पहले उतना पाकिस्तान का एडवांटेज होगा अगर वहीं पर हम ज़्यादा मैचेस खेल लेते हैं। भाई देखें इस वक्त जो कराची में वेदर चल रहा है तो सेम वेदर ही होगा बिल्कुल, और थोड़ा सा फर्क ही होगा, थोड़ा यहाँ गर्मी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी वाइज अगर मुझे अभी इस वक्त जो वेदर है इस वक्त सेम वेदर है, आई थिंक बहुत अच्छा साइन है कि कैंप भी कराची में लग रहा है तो अच्छा है। लड़के जो है चार पाँच दिन यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, फिर तीन चार दिन वहाँ भी मौका मिलेगा, एक साइड गेम्स भी है, तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच से पहले अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं यार इस हवाले से तो मुझसे ऐसी बात है कोई बात नहीं होगी, ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर समझेगी कि क्या प्लेंगे 11 इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को, हाँ अगर बिगड़ गए, मैंने जैसे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा है और एशिया में है और किसी एशिया टीम को ही जीतना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ज़रूरी ये वर्ल्ड कप जीतेगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि टॉप फोर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीमें होंगी। लेकिन प्रैक्टिस मैच है, मैं मेरे ख्याल से इतना कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस मैच ही है, प्रैक्टिस मैच ही आप किसी भी टीम से खेलें और कंडीशन एक जैसी होगी सब टीमों के लिए, कि पाकिस्तान जितने ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस खेल लेगा वर्ल्ड कप से पहले उतना पाकिस्तान का एडवांटेज होगा अगर वहीं पर हम ज़्यादा मैचेस खेल लेते हैं। भाई देखें इस वक्त जो कराची में वेदर चल रहा है तो सेम वेदर ही होगा बिल्कुल, और थोड़ा सा फर्क ही होगा, थोड़ा यहाँ गर्मी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी वाइज अगर मुझे अभी इस वक्त जो वेदर है इस वक्त सेम वेदर है, आई थिंक बहुत अच्छा साइन है कि कैंप भी कराची में लग रहा है तो अच्छा है। लड़के जो है चार पाँच दिन यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, फिर तीन चार दिन वहाँ भी मौका मिलेगा, एक साइड गेम्स भी है, तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच से पहले अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं यार इस हवाले से तो मुझसे ऐसी बात है कोई बात नहीं होगी, ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर समझेगी कि क्या प्लेइंग 11 बेहतर बन सकती है।